जिला पंचकुला में प्रशासन की ओर से दिवाली के त्योहार को देखते हुए पंचकुला की सीमा में ग्रीन पटाखे के अलावा अन्य पटाखे बेचने और बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये आदेश जिला के उपायुक्त सुशील सारवान की ओर से कुछ दिन पहले ही जारी किया गया था, लेकिन लोग इस आदेश का पालन न करते हुए इसे नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने नगर निगम और पुलिस टीम को साथ लेकर इंडस्ट्री एरिया फेस एक में आतिशबाजी की थोक व परचूर विक्रेता माँ लक्ष्मी जनरल स्टोर पर छापेमारी की। रेड के दौरान काफी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए, साथ ही सभी बरामद किए गए रेड के पटाखों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें हमारे को एक गुप्त सूचना मिली थी कि पटाखों की दुकान है और गोदाम है, इसमें लाइसेंस तो है इनका, लेकिन लाइसेंस के आड़ में ये विदाउट ग्रीन पटाखे बम इलीगल जो निषेध हैं उनके विक्रय कर रहे हैं। मकान मालिक था बलदेवराज, ज़्यादातर उनका बेटा बैठा है अनुपम यहाँ पे, वो विक्रय करता है। और ख़ास चीज़ ये है, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है लोगों की जान माल की सुरक्षा करना। अब आप लोग देख ही रहे होंगे दुकान के आसपास गाड़ी की दुकान है बैक साइड में और ये टेंट हाउस है, साइड में मोटरसाइकिल की दुकानें हैं, यहाँ तेल बिखरा हुआ है, तो यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा। सर, फायर एनओसी इनके पास थी, परमिशन की बात की जाए या फायर एनओसी की बात की जाए, क्या तो लाइसेंस जो आतिश विस्फोटक विभाग द्वारा फरीदाबाद द्वारा जारी किया हुआ है, लाइसेंस है इनके पास और जो इंस्ट्रूमेंट जो लगे हुए हैं फायर ब्रिगेड के, उसमें 5 सिलेंडर पुराने पाए गए हैं, 5 नए थे। तो लेकिन अभी जो छापेमारी हुई उसमें क्या क्या पटाखे पकड़े, जो छापेमारी हुई पटाखे क्या क्या पकड़े गए, कोई ऐसा कोई ग्रीन के अलावा कोई दूसरा पटाखा? ग्रीन के अलावा काफ़ी मात्रा में पटाखे हैं, तो लोकल पुलिस को के हवाले कर दिया गया, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लिखित में शिकायत दे दी गई है और जो लीगल कार्रवाई होगी आगे इन्वेस्टिगेशन का मैटर है वो लोकल पुलिस करेगी। सर, क्या कुछ निकल के आया है? ये ग्रीन पटाखों का लाइसेंस था, ग्रीन पटाखों की आड़ में काफ़ी मात्रा में निषेध जो पटाखे हैं आतिशबाजी अनार वगैरह वो पाए गए हैं, उनकी सूची तैयार करके और नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दी गई। आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता द्वारा माँ लक्ष्मी जनरल स्टोर फतेहपुर शॉप नंबर 2 पे रेड की गई, जहाँ पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, हमारा स्टाफ भी वहाँ पहुँचा, जहाँ पे मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के द्वारा दुकान की चेक करने उपरांत काफ़ी मात्रा में सुतली बम, रस्सी बम, टाइमी बम वगैरह बरामद किए गए हैं और मकान दुकान मालिक का लड़का अनुपम को हमारे हवाले किया है और उसके खिलाफ IPC सेक्शन 286, 336 एंड 9B एक्सप्लोजी एक्ट के तहत FIR दर्ज करने के लिए तहरीर थाना में भेज दी गई है और उनसे पूछताछ जारी है। तो सर, क्या एक ये जो दुकानदार है ये होलसेल है या किस रिटेल में किस तरह से बेचता है? ये होलसेलर दुकानदार है, हरियाणा सरकार द्वारा ग्रीन क्रैकर के अलावा अन्य पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसके दुकान से ग्रीन क्रैकर के अलावा और पटाखे मिले हैं जिनको कब्जा पुलिस में लिया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी। वही मामले में सेक्टर 19 चौकी इंचार्ज ने बताया कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को सूचना मिली थी कि इंडस्ट्री एरिया फेज एक में पटाखों की थोक विक्रेता ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखे भी बेच रहे हैं। गौरतलब है कि दिवाली के त्योहार को देखते हुए जिला में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके बाद भी लोग पटाखों का व्यापार कर रहे हैं। वही सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम द्वारा छापेमारी की गई। बहरहाल अब देखना ही होगा कि मामले की छानबीन के बाद क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।